स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। उसका फर्स्ट सम देखो, एक्सरसाइज 1.2 का। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। कहता है एक इंटीजर्स का पेयर लिखो जिसका सम जो है वो -7 हो। तो हमने कोई ऐसा पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसको हम ऐड करें, तो हमारे पास आंसर -7 आए। तो स्टूडेंट, अगर हम -5 और -2 जो इंटीजर्स हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा? -7। तो कैसे लिखेंगे? -5 माइनस, ऐड करेंगे ना -2 को, कितना आ गया? -7। स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आप भी -5 -2 ही लो। जैसे कोई भी दो इंटीजर्स हैं उनको हम ऐड करें तो आंसर हमारे पास -7 आना चाहिए। ऐसे कोई भी इंटीजर दो ले सकते हैं हम। नेक्स्ट सम है डिफरेंस इज -10। तो डिफरेंस, कोई दो ऐसे इंटीजर जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो -10 आंसर आए। तो बताओ ऐसे कौन से दो हैं? अगर हम -2 और 8 जो है उनको सब्ट्रैक्ट करें, है ना, तो क्या आंसर आएगा? -10। क्लियर? नेक्स्ट, ऐसे ही सम इज 0। कोई दो ऐसे इंटीजर जिनका सम क्या हो? 0। तो कोई भी दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लो, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। -5 +5 दोनों को ऐड करो तो 0 ही आना है। ऐसे ही सेकंड सम, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। उनका डिफरेंस कितना आए? 8। ऐसे दो पेयर लिखने हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? -2 और -10। डिफरेंस लिखना है ना उनका, तो सब्ट्रैक्ट बीच में लगाएंगे। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया, ये -- ऐड हो गए तो कितना आ गया? 2 माइनस का प्लस का 10 इक्वल टू पॉजिटिव 8 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड सम, इसी का बी का सेकंड, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, ये याद रखना है। क्लियर? अब दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए? -5। अब हम अगर एक -7 ले, नेगेटिव हो गया, ठीक है, दूसरा 2 ले ले, इन दोनों को सम कहा है ना उसने, तो ऐड कर लिया तो दोनों का आंसर क्या आया? -5। क्लियर? नेक्स्ट है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज, पहले उसने सम कहा था, अब डिफरेंस का है, डिफरेंस इज -3। तो कोई भी ऐसे दो नंबर ले लो जिनका, अगर -2 और 1 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आने वाला है? देखो -3। क्लियर? इसी का नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। टीम ए और टीम बी के स्कोर दिए हुए हैं, विच टीम स्कोर्ड मोर, कहता बताओ कि किस टीम ने अधिक स्कोर किए हैं। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, दो क्वेश्चन हैं, दोनों के हमने आंसर देने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है कि विच टीम स्कोर्ड मोर, तो सबसे पहले टीम ए का लिखेंगे, टीम ए स्कोर्ड, कितना स्कोर किया था उसने? -40, 10 और 0, इनको ऐड करेंगे तो टीम ए का स्कोर जो है वो -30। यहाँ क्या लिख देंगे? टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। नेक्स्ट, टीम बी
स्कोर्ड, टीम बी ने कितने किए थे, 10 कॉमा 0 माइनस 40, इनको भी ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास सेम आंसर आया, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, ये टीम ए का स्कोर हो गया, ये टीम बी का। अब उसने पूछा था कि किसके मोर हैं, तो ये तो सेम आ गए दोनों, तो क्या लिखेंगे, देयरफोर स्कोर ऑफ बोथ टीम आर सेम, क्लियर। अब ये सेकेंड उसने क्वेश्चन पूछा था, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो यस, इंटीजर जो हैं इनको किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें तो सेम ही जो है वो आंसर आ रहा है, देखो ऊपर सेम ही थे ना, और ऑर्डर ही अलग हुआ था तो सेम आंसर आया, इसलिए यस क्या लिखेंगे, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, नेक्स्ट स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का फोर्थ और लास्ट सम है फिल इन ब्लैंक्स, यहाँ पे ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है हमने। सबसे पहले ये इक्वल टू के साइन है बीच में, दोनों तरफ सेम वैल्यू बने ऐसे हमने फिल करना है। देखो इधर, यहाँ माइनस फाइव, यहाँ माइनस एट है, दूसरी तरफ माइनस एट है, क्या मिसिंग है, माइनस फाइव, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का, माइनस फाइव। यहाँ पे माइनस 53 में क्या ऐड करें कि सेम आंसर आए, तो कुछ भी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं मीन जीरो। 17 में क्या ऐड करें कि जीरो आंसर आए, अभी हमने सम किया ना, को ऑपोजिट इंटीजर जो है, एक प्लस का एक माइनस का ऐड करें तो आंसर क्या आता है, जीरो, तो देयरफॉर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस 7 हो या 17 कोई भी नंबर हो सकता है, 7 होगा तो माइनस 7 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या मिसिंग है, माइनस 7 नहीं है यहाँ पे इस तरफ, तो आंसर माइनस 7। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मिसिंग है, 3 दूसरी तरफ नहीं है, तो हमने यहाँ माइनस 3 जो है वो लगा, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.2।